टू एन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम में। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम डेली बेसिस पे 11:30 PM पे ही क्लास होता है। Myself Prabhas Kumar, I have been teaching GS for more than 6 years and mentor more than 80,000 students so far. So what you will get, आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, प्लस डाउट सेशन, चॉइसेस ऑफ फैकल्टी भी आपका होगा कि आप किन से पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को, जो भी सिलेबस है सेशन बेस्ड है आपको, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको साथ के साथ मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास किसी भी सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप स्पेशल सेशन डेली बेसिस पे देख सकते हैं, फ्री कोर्स में इनरोल कर लीजिए जिससे आप पूरे सेशन पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हैं। डेली बेसिस पे टाइमिंग क्या रहता है स्पेशल सेशन का, 4 PM पे। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जा करके गोल सेलेक्ट करना है बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज के बारे में अपडेशन मिल जाएगा, साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कितने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, 12 से 24 मंथ का जितने, तो बेस्ट ऑप्शन 12 से 24 मंथ ही होता है। एक तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरा साल दो साल का आपके पास मटेरियल होना चाहिए वो भी अपडेटेड सारे सब्जेक्ट के। तो ये सब सारा तभी हो पाएगा जब आप इतने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे। प्लस फर्दर बेनिफिट क्या है, इस कोड को जैसे यूज कीजिएगा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो कोर्स फी है 6,000, जैसे ये कोड यूज करते हैं तो ये घट करके 5,400 मतलब 10% का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है 6,400। 6, 12 और 24 मंथ के साथ और क्या है, नो कॉस्ट EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बैंक, SSC, UPSC, PCS, रेलवे, SSC किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। बस जब भी सब्सक्रिप्शन है तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा तभी जब आप ये कोड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिया एंड विच अफ्रीकन कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कोऑपरेशन, सूडान, लीबिया, नाइजीरिया और इथोपिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सलमान जी गुड इवनिंग, विनोद शर्मा गुड इवनिंग, सतीश जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियन विच अफ्रीकन कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कोऑपरेशन, सूडान, लीबिया और नाइजीरिया। पहला कौन सा बता दीजिए, संजीव गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए फटाफट सभी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नाइजीरिया, ठीक है, और राजधानी क्या हो जाएगा, अबूजा। ये सब भी लिख लीजिएगा। इथोपिया का राजधानी क्या है, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। लीबिया का मालूम ही है ट्रिपोली, और सूडान का खार्तूम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE अलोंग विथ विच IIT अलोंग विथ विच IIM इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। IIM बेंगलोर, IIM इंदौर, IIM अहमदाबाद और IIM शिलोंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दीजिए, संजीव, सलमान, नेहा, विनोद जी, फटाफट आंसर दीजिए। और एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिए, जिन बच्चे ने नहीं किया है तो एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विनोद जी का सी है, संजीव जी का बी है, सतीश जी का बेंगलोर है। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा IIM बेंगलोर इज द राइट आंसर।
नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट। नीति आयोग के सीईओ का नाम बताइए। नीति आयोग बाद में आया, नीति आयोग किसको कन्वर्ट करके बनाया गया ये भी नाम बताइएगा। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विनोद शर्मा जी का आ रहा है अमिताभ कांत शर्मा जी का प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सतीश जी का नेस्को में। नेहा आप भी बताओ, सलमान जी आप भी बताइए, संजीव, सतीश, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेस्कॉम। और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जिनको नहीं आता हो लिख लीजिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम। सिंपल है। हाँ, नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल। डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं? अमिताभ कांत तो सीईओ हैं, बिल्कुल सही विनोद जी। डिप्टी चेयरमैन नहीं मालूम हो तो लिख लीजिएगा राजीव, ठीक है, ये सब लिखिए। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नोएडा में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और नेस्कॉम किसका रेगुलेटरी बॉडी होता है? तो आईटी कंपनी का, ये सब भी याद रख लीजिएगा। नेस्कॉम किसका रेगुलेटरी बॉडी है? आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का रेगुलेटरी बॉडी है नेस्कॉम। विनोद जी, राजीव कुमार, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच एक्सचेंज हैज साइन अ एमओयू विद महाराष्ट्र बेस्ड बुलियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन टू इनहांस कोऑपरेशन ऑन नॉलेज शेयरिंग? इज इट एनएससी, एएससी, इंडिया, आईएनएक्स और बीएससी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ का आंसर बता दीजिए। विच एक्सचेंज असाइन एमओयू विद महाराष्ट्र बेस्ड बुलियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन टू इनहांस कोऑपरेशन ऑन नॉलेज शेयरिंग? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज इट एनएससी, एएससी, आईएन, इंडिया आईएनएक्स और बीएससी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बता दीजिए। सतीश जी बीएससी बता रहे हैं, विनोद जी स्किप कर रहे हैं, नेहा, सलमान, संजीव जी, सतीश, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एएससी, सॉरी कहा गया, बीएससी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, विच कंट्री is home to the second highest number of elephants used in tourism in Asia? Question number 5th का answer बता दीजिए। विनोद जी कह रहा इंडिया, सही बच्चे आंसर दीजिए फटाफट। सतीश जी, सलमान, संजीव, सतीश, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंडिया। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वॉज हैंडेड ओवर टू विच ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स? क्वेश्चन नंबर 6, सतीश जी का भी 5 का भी आ रहा है, ठीक है। और एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा,
जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं या जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी प्रिपरेशन करते हैं उन सभी के साथ शेयर कर दिया कीजिए कि दूसरे बच्चे भी जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वॉज हैंडेड ओवर टू विच ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, छठा का आंसर बता दीजिए। विनोद जी का आ रहा है 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच गवर्नमेंट हैज साइंड अ MoU विद IIT बॉम्बे एंड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्मोक टावर। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सतीश जी का सी था, सलमान जी का बी, राव जी का दिल्ली। राव जी आज लेट कैसे हो गए आप? और एक बार आप भी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो भी बच्चे न्यू आ रहे हैं एक ही बार लाइक कीजिएगा, दो बार कभी मत लाइक कीजिएगा। आप लोग दो बार लाइक करने से क्या होता है, एक लाइक गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? सतीश जी का 7 का ए, दिल्ली बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंट सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन टू विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, RRB, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दीजिए। राव जी बता रहे हैं अर्बन, ठीक है। ये बताओ कि RRB इस्टेब्लिश कब हुआ था, ईयर बता सकते हैं आप लोग किस ईयर में RRB इस्टेब्लिश हुआ था और RBI कौन से डेट को इस्टेब्लिश हुआ था? डेट और ईयर दोनों बताइएगा। राव जी का 1975, ठीक है बिल्कुल सही है। डेट क्या था उस दिन राव जी, डेट क्या था? तो ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, 1 अप्रैल 1935 को RBI एस्टेब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल 1935 RBI एस्टेब्लिश हो गया था और नेशनलाइज जो था ये 1 जैन 1949 को नेशनलाइज हो गया, राष्ट्रकृत। ठीक है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। और RRB जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को, ठीक है। RRB किस कमिटी के द्वारा गठित किया गया था तो ये भी याद रखिएगा, जिनको नाम याद हो तो ये लिख लीजिएगा, नरसिम्हम कमिटी। कौन सा कमिटी था? नरसिम्हम कमिटी, ठीक है। और RRB को कंट्रोल कौन करता था, मतलब रेगुलेटरी बॉडी कौन था, ये याद रखें। एपेक्स बॉडी कौन सा था? तो नबार्ड। और नबार्ड को कौन सा कमिटी लेके आया था? शिवरमन कमिटी, शिवरमन कमिटी। ये सब बहुत एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। दूसरा ये भी याद रखें, जैसे ये 1975 में, तो नबार्ड खुद कब इस्टेब्लिश हुआ? 1982 में, ठीक है। 1937 में शिफ्ट हो गया था। हाँ सलमान जी, मिल जाएगा PDF, लेट्स क्रैक SSC एग्जाम पे जुड़ जाएगा, ठीक है, वहीं से हो जाएगा। प्लस RRB दो राज्यों में कभी नहीं खुला, वो कौन सा था? एक तो लिख लीजिएगा सिक्किम और दूसरा गोवा। और पहला RRB का नाम ये सब मैं लिख देता हूँ, जो एग्जाम में आते रहते हैं वो मैं बार बार लिखवाता भी रहता हूँ। तो नाम क्या था उसका? प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद में। प्रथमा ग्रामीण बैंक यूपी में, प्रथमा ग्रामीण बैंक,
आरआरबी यहीं पे खुला था, प्रथमा ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में, और इसको स्पॉन्सर कौन किया था, तो सिंडिकेट बैंक, ये भी याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ है सिंडिकेट बैंक का, मणिपाल, ये भी याद रख लीजिएगा। सतीश जी क्या भाई लिख रहे हैं, अच्छा, और वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है इसलिए, ग्रामीण क्षेत्र इलाका नहीं है वो, ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है तो इसलिए वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे खुला ही नहीं। ठीक है, चलिए सारा लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हाँ या ना, यस और नो। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाइन्थ है, विच कंपनी हैज लॉन्च द स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, फोन पे, लेंडिंग कार्ड, पेटीएम, गूगल पे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बता दीजिए। नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, विच कंपनी हैज लॉन्च द स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। नहीं मालूम है, सतीश जी बताइए, विनोद, सलमान जी, नेहा। नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पेटीएम। टेंथ है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब हैज डेवलप्ड अ मशीन ट्रांसलेशन टूल फॉर विच ट्राइबल लैंग्वेज, गोंडी, संताली, मारिया और लोधा। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर बता दीजिए। ठीक माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब हैज डेवलप्ड अ मशीन ट्रांसलेशन टूल फॉर विच ट्राइबल लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ का आंसर बता दीजिए। सतीश जी का पेटीएम था, सतीश जी का नाइन का सी, राव जी का ए आर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेंथ बताइए, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब हैज डेवलप्ड अ मशीन ट्रांसलेशन टूल फॉर विच ट्राइबल लैंग्वेज, नीतू जी का लोड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, ए गोंडी। ठीक है नीतू जी, गुड इवनिंग। गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनल सिस्टम इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ। तो नीतू पूरा सेशन कीजिएगा, आप भी रेगुलर आइए, टाइमिंग याद रखिए, डेली बेसिस पे ये सेशन 11:30 पे स्टार्ट हो जाता है, और चैनल से न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का आंसर बता दीजिए, इलेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी उड़ीसा। अच्छा सीएम कौन है, पटनायक जी, गवर्नर कौन है ये बताइए, ये भी याद रखिए, गणेशी लाल। झारखंड के गवर्नर का नाम क्या है बच्चों, मुर्मू जी। वेस्ट बंगाल का धनकर, जगदीप धनकर। और राजस्थान का गवर्नर का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 12th, who has won the title of the World Snooker Championship 2020? बिल्कुल सही, गणेशी लाल, द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल। राजस्थान का बता दीजिएगा, who has won the title of the World Snooker Championship 2020? कालराज मिश्रा। ओके नहीं तो एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे आ रहे हो मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग स्पेशल सेशन कभी मत मिस कीजिए, 4 PM पे, करंट अफेयर आपको हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 4 PM पे स्पेशल सेशन डेली बेसिस पे किया कीजिए, टाइमिंग याद रख लीजिएगा, 4 PM स्पेशल सेशन। इसके लिए बस आपको अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद लाइव होना, बिल्कुल फ्री है ये क्लासेस,
अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके लाइव हो जाइएगा, गोल सेलेक्ट कीजिएगा बैंक और लाइव हो जाइएगा, प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा। फ्री कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कोड पूछेगा PRABHASH। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? डी, रोने द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज मर्डर। विनोद जी का 12 का सी था, राव जी का सी था, सतीश जी का डी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 विद ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज मर्डर, चेतन भगत, मानव कौल, सुदीप नागरकर, निखिल महाजन। क्वेश्चन नंबर 13 चेतन भगत विनोद जी का आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं गलत होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। चेतन भगत बिल्कुल सही है, सतीश, विनोद, नेहा सारे बच्चों का आंसर सही है, चेतन भगत इज द राइट आंसर। इनका बहुत सारा है, टू स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारा बुक इनका फेमस है, आप लोग पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज लॉन्च नेवल इनोवेशन एंड इंडिजाइनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 राव जी का बी है, राव जी बता रहे तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? नीतू जी का भी 3, विनोद जी का 14 का भी है, शर्मा जी का भी है, 3 इज द राइट आंसर। अच्छा, राजनाथ सिंह का कॉन्स्टिट्यूएंसी मालूम है तो बताइए। तो इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस विच रिवर इन मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज Across which river in Manipur? Question number 15, 15 का आंसर बता दीजिए। क्या हुआ नीतू पहली बार? तीस्ता लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। और मणिपुर के सीएम और गवर्नर का नाम बताइए। मणिपुर के सीएम और गवर्नर का नाम बताइए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? विनोद जी का ही आ रहा है, नीतू आप भी बताओ, सतीश जी का ये है, सतीश जी का, ठीक है, यही आंसर जो है सही है। द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विथ एसेट्स ओवर डैश विल हैव टू अपॉइंट द चीफ रिस्क ऑफिसर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 16 16 का आंसर बताइए। द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद एसेट्स ओवर डैश विल हैव टू अपॉइंट चीफ रिस्क ऑफिसर्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा, एन बिरन और नजवा हेफतुल्ला। अच्छा, आंसर सही हुआ नीतू, आप 4 PM का भी स्पेशल सेशन कीजिए, ठीक है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा बैंक, ठीक है, और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, लाइव हो जाएगा। और फ्री कोर्स में इनरोल कर लीजिए जिसे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं फ्री में। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आपको फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे, उसमें कोड पूछेगा, कोड में डाल दीजिएगा प्रभास PRABHASH, तो डेली बेसिस पे आप क्लास कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 5,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट 4 PM का स्पेशल सेशन जरूर करा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हु पास्ड अवे रिसेंटली, चुनक्करा रामन कुट्टी।
पास्ट वेरी रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच रीजनल सिनेमा? 17th का आंसर बता दीजिए, क्या हुआ राउत? मलयालम लिख रहे हैं, रिया जी का ये है, सतीश जी का ये है, नीतू जी आप बताइए, सतीश जी का केरला एक्टर। क्वेश्चन नंबर 17th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मलयालम। यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट निर्माण श्री फॉर विच टू स्टेट? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, आसाम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर बता दीजिए, 18 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर फटाफट। उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर का नाम बताइए। तो जरा गवर्नर का नाम मैं बता दे रहा हूं, बेबी रानी मौर्य। ऐसे ही सीएम का नाम बताइए उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का दो राजधानी है, ये याद हो गया होगा आप लोगों को, एक गैरसन और दूसरा देहरादून, सबको मालूम ही है। क्वेश्चन नंबर 18th, त्रिवेंद्र सिंह रावत। 18 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। 19th बताइए, बिल्कुल सही है। 19 बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। आरबीआई हैज अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ हाउ मच अमाउंट एज सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2019-20? 30,128 करोड़, 60,128 करोड़, 47,128 करोड़ और 57,128 करोड़। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर बता दीजिए। रोहित जी बता रहे 57,000, ठीक है। सतीश जी आप भी बताइए, विनोद फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 57,128 करोड़। हु हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड 19 पेंडेमिक? रस्किन बॉन्ड, रूपा पाई, सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए। कोई बात नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन और रेगुलर आइए, ठीक है यादव जी। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20, बार बार मत लिखिए यादव जी, दूसरे बच्चे परेशान होते ना इसे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21, अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन? क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, बस रेगुलर आइएगा, खुद ही फायदा होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक दो बार करते रहिए, आंसर मैं बता ही रहा हूँ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ उसको भी याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश जी बार बार मत लिखिए एक चीज को, ये अच्छा चीज नहीं है ना, दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 22, विच कंट्री हैज लॉन्च वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और इंडिया। एग्जाम में ऐसे लिखे आएगा, OSOWOG, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये चैनल
टेलीग्राम का है, इस पे जुड़ जाइए, ठीक है। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम, इस पे जैसे ही जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है नीतू। और 4 PM का जो सेशन का, अगर उस पे आओगे तो उस पे ऑप्शन ऑटोमेटिक खुद ही आता है, वहां से पीडीएफ खुद ही डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन 22 बनाइए, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी इंडिया, ठीक है। परिमीना जी का भी आंसर सही है, सतीश जी का भी, ओम प्रकाश यादव जी का भी। ओम प्रकाश यादव जी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, परिमीना आप भी रेगुलर आइए और आप भी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे रेगुलर आया कीजिए, टाइमिंग यही रहता है 11:30। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है तो। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, विच कंट्री हैज रिसेंटली चेयर फोर्थ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, रशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 23, तेईस का आंसर बता दीजिए, विनोद जी का ए आ रहा है, परी जी का ए। मैंने लाइक करने के लिए बोला था, किसने डिसलाइक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। अच्छा, इसका करेंसी भी याद रखना, रूबल, और इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, MICX। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का नाम बताओ, प्राइम मिनिस्टर का भी नाम और प्रेसिडेंट का भी नाम। विच फॉर्मूला वन रेसर हैज वॉन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। Which Formula One racer has won Spanish Grand Prix 2020? Max Verstappen, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton और Charles Leclerc। Question number 24। सतीश जी का बिल्कुल सही है, व्लादिमीर पुतिन, मधुदेव, ठीक है। आदित्य गिरी जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, लेविस हैमिल्टन। विच कंट्री हैज लॉन्च £3 million इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। विच कंट्री हैज लॉन्च £3 million इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का आंसर बता दीजिए। विनोद जी का यूके है, विनोद जी का यूके है, नीलमा का सी, नीलमा गुड इवनिंग। किसको सेशन पसंद नहीं आ रहा, जो लाइक दो बार डिसलाइक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अटल टनल इन विच स्टेट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड अटल टनल इन विच स्टेट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 26 का आंसर बता दिए यूके, 26 का आंसर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 26, देखो जो भी न्यू स्टूडेंट हो, एक तो टाइमिंग याद रखो, इसका सेशन का 11:30 PM पे होता है, और चैनल कौन सा है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। और आप सब 4 PM स्पेशल सेशन भी देखा कीजिए, 4 बजे स्पेशल सेशन, ये बिल्कुल फ्री है। बस इसको कैसे देख पाएंगे, इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके फ्री कोर्स में इनरोल होना होता है, ठीक है। फ्री कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड पूछेगा, तो ये कोड डाल दीजिएगा PRABHSH, ठीक है, जिससे आप क्लास रेगुलर बेसिस पे देख पाएंगे 4 PM पे डेली बेसिस पे। आपको फिर जैसे ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर देते हैं तो गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा बैंक, और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, और 4 PM पे लाइव हो रहा है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, विनोद जी का आंसर बिल्कुल सही, 9.02। सतीश जी हुआ था, मगर थोड़ा लेट हुआ था, ठीक है, कुछ इशू था टेक्निकल, इसके कारण लेट से हुआ था। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हिमाचल प्रदेश। विच कंट्री फॉर्मली साइन एन एग्रीमेंट टू बाय 66 ऑफ द लेटेस्ट मॉडल F-16 जेट्स बिल्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 27, जो भी बच्चे आ रहे हैं डेली बेसिस पे आप लोग आया कीजिए इसी तरह, और 11:30
30 पे ही जुड़ जाइए, सेशन 11:30 पे स्टार्ट हो जाता है। और सभी 4 PM का स्पेशल सेशन जरूर किया कीजिए, 4 PM का स्पेशल सेशन मिस मत कीजिए। बस अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आपको गोल सेलेक्ट करना, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, लाइव कीजिएगा। फ्री कोर्स का भी ऑप्शन है, आप अनअकैडमी से फ्री कोर्स कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, वही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके रखना है, फ्री कोर्स पर क्लिक करेंगे और कोड पूछे तो ये डालिए PREBH। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी यही कोड डालिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का आंसर परी जी का ए है, सतीश जी का बी, विनोद जी का इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी ताइवान। 28 बनाइए, एज इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्गेनिक फार्मर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो कौन सा मंत्री होल्ड कर रहे हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दीजिए। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दिया, जिन्होंने लाइक किया दोबारा मत कीजिएगा, एक ही बार लाइक हमेशा एक ही बार किया कीजिए। और प्लीज शेयर भी कर दिया कीजिए कि दूसरे बच्चे भी जुड़ जाएं, जो भी आपके फ्रेंड है उनके साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल सही है, विनोद जी का आंसर बिल्कुल सही है, आदित्य तोमर जी, परी जी का बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दीजिए फटाफट, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट रैंक। ठीक है, ये याद रखिएगा फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च विच प्रोजेक्ट ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ आदित्य जी मैं बिहार से ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस परियोजना का शुभारंभ किया। 29 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, विनोद जी स्किप कर रहे हैं, रॉज जी का सी है, परिमीना जी का सी है, नीतू जी का सी है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर क्या हो जाएगा, डी प्रोजेक्ट डॉल्फिन। 30 बनाइए। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार, एटलीस्ट ये कर दिया कीजिए, ये हमारे लिए काउंटेबल होता है। एक ही बार हमेशा लाइक कीजिए, दो बार मत कीजिएगा, उसे एक लाइक कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर बता दीजिए। अच्छा ये बताओ अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है। और साथ के साथ मुझे ये बताओ यस बैंक के CEO कौन है। कोई बात नहीं परी, रेगुलर रहोगे तो धीरे धीरे रिवाइज हो जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दो, 30 का आंसर बता दीजिए, 30 का सतीश जी का भी है, बिल्कुल सही, गूगल इज द राइट आंसर। यस बैंक का आप लोग को नहीं मालूम है कौन है यस बैंक के CEO। यस बैंक के CEO कौन है, प्रशांत कुमार, लिख लीजिएगा प्रशांत कुमार। विच स्टेट हैज अनाउंस टू लॉन्च, विनोद जी का संजय कोठारी, सतीश जी प्रशांत कुमार, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, विच स्टेट हैज अनाउंस टू लॉन्च पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम, किस राज्य ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू किया। 31 का आंसर बताइए। नीलू जी धीरे धीरे याद भी करना पड़ेगा, नहीं होता है तो करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31, इकतीस का आंसर बता दीजिए, रिवीजन करेंगे फिर याद रहेगा।
31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब जैसे छत्तीसगढ़ की कौन कौन है? अनसुईया उकई, अनसुईया उकई, सीएम का नाम आप लोग बता दीजिए जरा, ठीक है? ऐसे लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर भी आप लोग को मालूम ही, आनंदी बेन पटेल। जो मैं पूछता हूं वो आंसर दे दिया कीजिए आप लोग। झारखंड के द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन साहब सीएम है। तो इसी तरह मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ का सीएम का बस नाम बता दीजिए। भूपेश बघेल इज द राइट आंसर, सतीश जी का आंसर सही है, विनोद जी का अगर नहीं आता है तो प्लीज लिख लीजिएगा, परी मीना जी का भी आंसर सही है, ठीक है? लिखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा सारा चीज, और कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है ये बताओ, मैं जो जो पूछ रहा हूँ ये बताओ, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ट्राइबल अफेयर, जिनको नहीं आता हो तो लिख लीजिएगा, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर फटाफट बताइए, सतीश जी, विनोद जी, परी, नीतू, नेहा, फटाफट बताइए सारे बच्चे। नीलमा, क्वेश्चन नंबर जो कराया था वो तो हो गया। अब मैंने पूछा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, सतीश जी का आ रहा है अर्जुन मुंडा, बिल्कुल सही है। और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखें, कहाँ पे है? खुंती, खुंती कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर तो अभी तुम लोग जान ही लिए, नरेंद्र सिंह, तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी जान ले, नहीं मालूम है कोई बात नहीं। माइनॉरिटी अफेयर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है? क्वेश्चन 32, द मेरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी हैज ओपेंड अ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर सी फूड एक्सपोर्टर्स इन विच सिटी। क्वेश्चन नंबर 32, विनोद जी का कोलाम आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पोरबंदर। गुजरात का सीएम और गवर्नर का नाम बता दो जरा, गुजरात के सीएम और गवर्नर का, विजय रूपानी, गवर्नर कौन है ये बताइए। 33, निशिकांत कामत, हु पास्ड रिसेंटली वाज अ रेनाउंड फिल्म मेकर, ऑथर, डॉक्टर और स्कल्पचर। बताइए क्वेश्चन नंबर 33। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बता दीजिए। आचार्य देवव्रत, बिल्कुल सही है। तैतीस का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिल्म मेकर, ठीक है? 34, बने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च अ 3-month कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट अफोर्डेबल प्रैक्टिस फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी। 34 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बता दो। चौंतीस का आंसर बता दीजिए।
डी आयुष फॉर इम्यूनिटी, ठीक है राव जी का, ठीक है नीलमा का भी आंसर सही आ रहा है, वाह क्या बात है। 35 वन ऑफ द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वीके वर्मा, जीपी गर्ग, एस एन शर्मा और बी एन साहू। क्वेश्चन नंबर 35 राव जी का, जीपी गर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 सेबी के हेड कौन है ये बताओ तो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये तो हेडक्वार्टर मालूम है कि मुंबई में है, और सेबी के अभी सुप्रीमो कौन है बॉस, राज जी का जीपी गर्ग है, बिनोद जी का 35 का डी है, सतीश जी का 35 का बी है। नीतू आप बताओ, नीलमा जी फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी जीपी गर्ग, अजय त्यागी बिल्कुल सही है। वो हैज बीन, जिसको नहीं मालूम है प्लीज लिख लिया करो, एटलीस्ट जो बच्चे दे रहे हैं आंसर, ठीक है मैं जब कह दे रहा हूं तो उसको लिख लिया करो। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, एस एस देसवाल, राकेश अस्थाना, राजेश रंजन, रजनीकांत मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 36 36 का आंसर बता दीजिए। नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, और जो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ प्लीज उसको भी लिख लीजिएगा, और जो भी बच्चे आ रहे हैं इन सेशन में प्लीज पूरा सेशन कीजिए और रेगुलर आइए तो फायदा होगा। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मिल जाएगा, मंथली भी मिल जाएगा, और एमसीक्यू तो होता ही रहता है, और चैप्टर भी मिल जाएगा। तो ये सारे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारा लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 36 कहाँ से बता दीजिए। प्रियंका चौधरी जी गुड इवनिंग, नीतू जी का डी है, शर्मा जी का बी है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी राकेश अस्थाना। 37 रिनोल्ड वोकलिस्ट पंडित जसराज हु पास्ट अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच म्यूजिक घराना। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बता दीजिए। प्रियंका एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। 37 का आंसर बता दीजिए, रिनोन्ड वोकलिस्ट पंडित जसराज हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच म्यूजिक घराना। सैंतीस का आंसर बता दिए, क्वेश्चन नंबर 37। थैंक यू प्रियंका। 37 का आंसर विनोद जी का ए है, राव जी का बी है, सतीश जी का डी है, मेवाती घर, ठीक है बिल्कुल सही है, मेवाती घर इज द राइट आंसर, मेवाती घर आना आंसर सही था। 38 बताए, विच कंपनी हैज वोन द टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा ये बताओ बाइजूस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है बाइजूस का। 38 का आंसर बता दिया, क्वेश्चन नंबर 38 38 प्रियंका जी का ये है, नीलमा जी का ये है, सतीश जी का, आमिर खान बता रहे हैं। तो वेदांतु का फिर कौन है ब्रांड एम्बेसडर बताइए विनोद जी। नीलमा का आंसर बिल्कुल सही है, सार के कंफ्यूज हो गए विनोद जी। 38 का आंसर क्या रहेगा, ए ड्रीम इलेवन। सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट, अभी ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछ लिया था, अगर सुने होगे गौर से तो बता दोगे, नहीं मालूम होगा तो फिर फंस जाओगे, तो इसलिए मैंने बोला कि जो भी एक्स्ट्रा लिखवाता रहा था उन सबको भी थोड़ा देखा करिए। सत्यपाल मलिक,
आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। उनचालीस क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका प्रियंका चौधरी जी बता रहे हैं बी, नीलमा का भी बी है, सतीश जी का भी। आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। 40 बनाइए। विच चाइनीज स्मार्टफोन्स मेजर विल डिस्ट्रीब्यूट 2500 हैंडसेट्स वर्थ रुपीज 2 करोड़ टू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया? प्रियंका, नीलमा, सतीश, विनोद, परी। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा ये बताओ, 40 का आंसर फटाफट बताइए। कुछ तो चेंज होंगे ही, पूरा तो चेंज कभी नहीं हो सकता है ना, दो तीन बदल जाते हैं। चालीस का आंसर क्या हो जाएगा याद रखिएगा, डी। परी जी का आंसर सही है। ठीक है, नीतू, सारा चेंज नहीं होगा, मगर कुछ जरूर चेंज होता है हर साल। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस विल बी नेम्ड आफ्टर विच लेट पॉलिटिकल लीडर? क्वेश्चन नंबर 41। अब कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह याद कर लोगे तो नॉर्मली दो तीन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम चेंज हो जाता है, या तो किसी का डेथ हो जाए या कुछ पॉलिटिकल टर्बुलेंस हो तभी, नहीं तो नॉर्मली नहीं होता कुछ भी ऐसे। हाँ, 5-10% ही चेंज होता है। अब मान के चलो कोई सीएम बन गया तो 5 साल के लिए है, ठीक है, गवर्नर भी चेंज होता है पर इतना जल्दी नहीं होता कि फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाए। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे विल बी नेम्ड आफ्टर विच लेट पॉलिटिकल लीडर? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बता दीजिए। इकतालीस का आंसर क्या हो जाएगा, टी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या पूछा आपने नीलमा? गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 5-मेंबर पैनल टू प्रोब इनटू कोझिकोड प्लेन क्रैश अंडर हुज चेयरमैनशिप? क्वेश्चन नंबर 42। क्या नहीं बताया पूछो। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर बता दीजिए। नीलमा, सतीश, प्रियंका, फटाफट बताइए। रोजी कार है बी, SSC है, ठीक है। संजय जी का भी, 42 का भी, 42 का आंसर हो गया बी, SS है। फोन पे ब्रांड एम्बेसडर, नीलमा आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला था, उस पर रिएक्ट नहीं किया था, यही क्वेश्चन आप पूछे थे। फोन पे आमिर खान ही है।
45 बने तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव ज्वाइन हैंड्स टू लॉन्च विच वे प्लेटफॉर्म टू प्रमोट फुटबॉल 43 43 कहां से बता दीजिए संजय तिवारी गुड इवनिंग संजय तिवारी जी रेगुलर आइए डेली बेसिस पे आएंगे फायदा जो हो जाए टॉपिक वाइज वगैरह करंट अफेयर जो करवाया है वो सब भी कर लीजिएगा मंथली करंट अफेयर भी कर लीजिए और जो एमसीक्यू होता रहता है वो भी किया कीजिए रेगुलर आ जाइए टाइमिंग याद रखिएगा 11:30 ठीक है चैनल कौन सा है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा 43 का आंसर क्या हो जाएगा ए ई पाठशाला तो जितने भी बच्चे होते हैं यहाँ पे आते हैं तो मैं सभी को कहता हूँ आप लोग 4 PM का स्पेशल सेशन रेगुलर देखिए इसका एडवांटेज आपको एग्जाम में दिख जाएगा 4 PM स्पेशल सेशन इसके लिए ये बिल्कुल फ्री है बस इसके लिए आपको करना क्या है अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके लाइव होना होता है आप गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा दूसरा एक और ऑप्शन है कि फ्री कोर्स में इनरोल अगर हो जाते हैं तो सारे क्लासेस आप फ्री में देख पाएंगे कैसे अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्री कोर्स पे क्लिक कीजिएगा कोड पूछेगा तो कोड में ये इंसर्ट कीजिएगा PRABHASS सारे सब्जेक्ट के क्लास आप एक्सेस कर पाएंगे और डेली आप 4 PM पे लाइव हो जाइएगा हाँ परी मैंने मंथली करंट अफेयर भी कराया है ठीक है तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी अर्जुन सुब्रमण्यम 45 बनाइए विनोद शर्मा जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है कि कितने साल के लिए ये लोग करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 45 ये उस कंपनी पे नॉर्मली डिपेंड करता है कि कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर रखते हैं किसी प्लेयर से किसी सेलिब्रिटी से किसी फिल्म मेकर से किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन नंबर 45 फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर विद विच IT फॉर ज्वाइंट रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज जी का बॉम्बे है सतीश जी का IT पटना संजय तिवारी जी का 45 का सी संजय जी एक बार सेशन को भी लाइक कर दिया सतीश जी का भी 45 का सी आ रहा ठीक है 45 का सी सही IT पटना इज द राइट आंसर थोड़ा मार्स हु हैज अनाउंस अ रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड फॉर विच कंट्री क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 46 आंसर क्या हो जाएगा बच्चों डी इंग्लैंड और अभी आपको मालूम ही होगा बोरिस जॉनसन अब नहीं आ रहे हैं कहां के प्रधानमंत्री हैं ये बोरिस जॉनसन इब्राहिम बोबकर कीटा has resigned from the post of president of which country? Question number 47. Saitalis ka answer kya ho jayega bachcho? B. Mali. Satish ji ka answer sahi hai. Nilma England bata rahi hai, theek hai. Achha, Burkina Faso. Iska rajdhani kya hai? अल्जीरिया का राजधानी मालूम है अल्जायर्स यमन का राजधानी बताइए और बुर्किना फासो का राजधानी बताइए अगर आता है तो बताइए नहीं आता तो लिख लीजिएगा उआगा दौगव यही कैपिटल है किसका बुर्किना फासो का यमन का बताइए
राव जी का आंसर बिल्कुल सही है। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता? क्वेश्चन नंबर 48 48 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिनो पेमेंट बैंक। 49 बने, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 49 का आंसर बता दीजिए। यमन का राजधानी साना? संजय तिवारी जी का आंसर बिल्कुल सही है। तो संजय जी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कर दिए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग प्लीज शेयर भी किया कीजिए कि दूसरे बच्चे भी आया करें। क्वेश्चन नंबर 49, का तिवारी जी का ये है, शर्मा जी का ये है, प्रियंका चौधरी का ये है, नीतू आप बताइए, विनोद शर्मा जी, सतीश जी, फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 अगस्त। ठीक है, अच्छा ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? ह्यूमन राइट्स डे ये कब होता है? उनचास का आंसर बता दीजिए। आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। 51 है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस इट्स बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद SBM बैंक इंडिया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बता दीजिए। बजाज, एलियांज, एडेलवेस, टोक्यो, कोटक महिंद्रा और भारतीय एक्सा? क्वेश्चन नंबर 50। हाँ बिल्कुल संजय तिवारी जी का, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, यादव जी हाय। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस इट्स बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद SBM बैंक इंडिया? क्वेश्चन नंबर 50। थैंक यू नीलमा। क्वेश्चन नंबर 50, गुड़िया एक बार सेशन को आप भी लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक कर दिए तो बहुत अच्छा, लाइक हमेशा एक ही बार कीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि आप दो बार करते हैं उससे एक डिसलाइक हो जाता है, एक ही बार लाइक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारतीय एक्सा। अच्छा कैथोलिक सीरियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे ये बताओ? कैथोलिक सीरियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? विच आईटी इंस्टीट्यूशन हैज वॉन टॉप पोजिशन इन द ARIIA 2020 अंडर द बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बता दीजिए। त्रिशूर, ठीक है, कैथोलिक सीरियन बैंक त्रिशूर केरला, तिवारी जी का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बता दीजिए। विनोद जी का सी है। थैंक यू सतीश जी। क्वेश्चन नंबर 51, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं यही मेरे लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। 52, स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? 52,
अच्छा, ओकले का जब करते तो डीडी किसान का कौन है ब्रांड एम्बेसडर? ये बार बार मैं पूछता रहता हूँ, डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राव जी का रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 52, निया जी का ये, विनोद शर्मा जी का अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही है, अमिताभ बच्चन ही डीडी किसान के, जीएसटी के, ठीक है, आईडीएफसी बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर वही है। वन प्लस सेलफोन है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर वही है। 53, विच स्टेट हैज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020? अंडर दिस पॉलिसी 40,000 करोड़ रुपी विल बी स्पेंड इन 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 53। विनोद जी कहाँ से? बिल्कुल सही, अमित सिन्हा जी। गुड इवनिंग अमित जी, रेगुलर आया कीजिए, सेशन को रेगुलर देखा कीजिए, और जब भी आते हैं तो टाइमिंग भी याद रखिए। अभी जहाँ से आप शुरू किए वहां से तो कीजिए ही, डेली बेसिस पे इसका टाइमिंग रहता है 11:30 PM। चैनल सेम है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। इसको अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं प्रभास कुमार के नाम से, ठीक है? उसे ऑटोमेटिक आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अभी तक अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखे तो वो भी कर लीजिए, उससे फायदा ये होगा कि आप फ्री कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं और स्पेशल सेशन देख सकते हैं फ्री में। उसके लिए बस आपको अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करके फ्री कोर्स पे क्लिक करना है और कोड यूज करना है, पूछेगा तो आप प्रभास यूज कीजिए, तो आप सारे सब्जेक्ट देख पाएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे फ्री में, ठीक है? उसके अलावा और ऑप्शन है कि आप अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट कीजिएगा बैंक, और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, 4 PM पे लाइव हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53 का आंसर बता दीजिए बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज इनोग्रेटेड एन ई पोर्टल फॉर ट्राइबल हेल्थ। और ये मालूम ही आपको, खुन्नति इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 54, 54 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बता दीजिए। संजय जी का 54 का डी है, राव जी का ए है। दूसरे बच्चे भी आंसर दीजिए फटाफट, नीतू जी, शर्मा जी, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य। प्रियंका, विच कंपनी हैज अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द एनी वेयर स्कूल? फेसबुक, इंफोसिस, विप्रो और गूगल। क्वेश्चन नंबर 55, 55 का आंसर बताए, 55 का आंसर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 55, राव जी का गूगल। गूगल सारा जो आंसर दे रहे वो बिल्कुल सही है, गूगल इज द राइट आंसर। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है ये बताइए, ये तो बता ही सकते हैं, गूगल के सीईओ कौन है? रितु शर्मा जी, गुड इवनिंग। गूगल के सीईओ बताइए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन मैंने पूछा, अभी ये कंट्री के कौन है? क्वेश्चन नंबर 55, आंसर हो गया गूगल। गूगल के सीईओ का नाम नहीं मालूम है इनको, सुंदर पिचाई, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? 56, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बता दीजिए। रितु शर्मा जी रेगुलर आइए, एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा।
कर दिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग प्लीज शेयर कर दिया कीजिए कि दूसरे बच्चे भी आए तो देख सकें सेशन को। क्वेश्चन नंबर 56, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए मनवाडी, ठीक है। 57, हु हैज रैंक टॉप इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर्स फॉर द ईयर 2020, सत्या नडेला। अभी खत्म कर दो बोलो तो। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, वैसे टोटल 80 क्वेश्चन है, 80, 57 का आंसर बता दीजिए। राव जी का डी है, विनोद जी का डी है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ठीक है। ड्वेन जॉनसन, हु हैज बीन कंफर्ड विद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बता दीजिए। और जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं, कल मुझे सभी बच्चे 4 PM पे दिखाई देने चाहिए। बस आपको करना क्या है, स्पेशल सेशन जरूर किया कीजिए, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके फ्री कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। फ्री कोर्स में तो इनरोल करने का कोई चार्जेस है नहीं, जिससे आप पूरा सब्जेक्ट देख सकते हैं, पूरा कोर्स कर सकते हैं। और फ्री कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोड पूछेगा, तो ये कोड डाल दीजिएगा PRAVHSH। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर क्या हो जाएगा, ए सौम्या स्वामीनाथन। 59 बनाइए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च एन ऑनलाइन फार्म टू फोक सर्विस प्लेटफॉर्म कॉल्ड। फटाफट क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बता दीजिए, 59 का क्या आंसर होगा, vedkrishi.com, बी। अविनाश कुमार जी गुड इवनिंग। सतीश जी क्या पूछ रहे हैं, WHO का डिप्टी डायरेक्टर का नाम पूछ रहे हैं क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिप्टी डायरेक्टर, अच्छा ये बता रहे थे कि सौम्य स्वामीनाथन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, आंसर क्या हो जाएगा 60 का, नरेंद्र मोदी। 61 बनाइए। नहीं वो डिप्टी डायरेक्टर क्वेश्चन में नहीं आया था नाम, वो बता रहे थे सतीश जी, मुझे लगा कि डिप्टी डायरेक्टर का नाम पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बता दीजिए। तिवारी जी का सी है, बिल्कुल सही, राजीव बंसल इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी, विनोद राय, देवशीष पांडे, अजय नारायण झा, दर्शन रावत। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बता दीजिए, 62 का। क्वेश्चन नंबर 62,
आंसर हो जाएगा देवशीष पांडे। फिफ्थ एडिशन ऑफ डिफिकल्ट डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 63। 63 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63। तो सारे बच्चे आ रहे हैं कल 4 PM के स्पेशल सेशन अटेंड करने के लिए, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 63। फिफ्थ एडिशन ऑफ डिफिकल्ट डायलॉग वाज हेल्ड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 63। तिरसठ का आंसर बता दीजिए। प्रियंका जी का बी है, अविनाश जी का ए है। अविनाश जी एक बार आप भी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा के सीएम का नाम बता दीजिए। गवर्नर का तो नाम मालूम ही होगा, जो महाराष्ट्र के वही गोवा के हैं। सीएम कौन है ये बताइए गोवा के। 64। प्रमोद सावंत, बिल्कुल सही है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद यूनाइटेड बाय इमोशंस। बर्ड रिंगिंग स्टेशन डिवोटेड टू ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स विल बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 65। तन्मय जी गुड इवनिंग, अविनाश गुड इवनिंग। तन्मय जी आप भी रेगुलर आया कीजिए और एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा तन्मय। क्वेश्चन नंबर 65। बर्ड रिंगिंग स्टेशन डिवोटेड टू ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स विल बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? इज इट झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बता दीजिए। सिक्सटी फाइव का आंसर प्रियंका का बी है, विनोद जी का राजस्थान है, सतीश जी का राजस्थान, तिवारी जी का 65 का डी, नेहा जी का डी, तन्वे जी 65 का आंसर क्या रहेगा? बिहार, फग्गू चौहान गवर्नर हो गए। 66 बताए। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन विद अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? अच्छा ये बताइए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तन्मय जी का 65 का भी आ रहा है, ठीक है। 66 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बता दीजिए। तन्मय आपने लाइक कर दिया ना? हाँ विनोद जी का आंसर बिल्कुल सही। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बच्चों? बिहार में ही है, क्योंकि बिहार आंसर था उस समय तो मैंने पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या रहेगा? थ्री इयर्स, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्कॉटलैंड फर्स्ट फीमेल फाइनेंस सेक्रेटरी? 67 का आंसर बता दीजिए। प्रियंका, विनोद, संजय, तन्मय, नीतू, निहास, सतीश जी, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का। आंसर क्या हो जाएगा 67 का? कैट फोर्ब्स, ठीक है। और सर बने हु वॉज अवॉर्डेड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? हु वॉज अवॉर्डेड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। बिनो जी का आंसर सही था, संजय जी का भी आंसर सही था, प्रियंका जी स्किप कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इन 2019 विद डैश मिलियन स्पीकर्स। 69th69 कहां से बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 69th। कहां से बताइए। सतीश जी का ये है, ठीक है, आंसर हो जाएगा 615 मिलियन। टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन कैब्स, दिल्ली पुलिस अलोंग विद उबर हैज लॉन्च विच ऐप। निर्भय प्लस, हिम्मत प्लस, दिशा प्लस और सुरक्षा प्लस। क्वेश्चन नंबर 70। सेवेंटी का आंसर बता दीजिए। 70। सतीश जी का 70 का ए है, विनोद जी का 79 कहाँ पहुंच गए आप। 70 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हिम्मत प्लस। सब निर्भय पे पहुंच गए। द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज हो हेल्ड इन विच सिटी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए। 71 71 का आंसर बता दीजिए। प्रियंका जी आप भी पहुंची, नीतू, विनोद, सतीश, फटाफट आंसर दीजिए। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उदयपुर। इसरो विल लॉन्च हाउ मेनी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट ड्यूरिंग 2021। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बता दीजिए। के सिवन का नाम जानते होंगे, इसरो के बॉस, और इसके साथ मुझे डीआरडीओ के भी चेयरमैन का नाम बता दीजिए। इनका हाल ही में अभी एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, ऐसे डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम बता दीजिए। 72 कहां से बता दीजिए। 72 आंसर क्या रहेगा, सतीश रेड्डी, बिल्कुल सही है। 72 का आंसर हो जाएगा 10। 25th एडिशन ऑफ गर्ल फूड 2020 वाज हेल्ड इन विच सिटी। अबू धाबी, दुबई, दोहा और मनामा। क्वेश्चन नंबर 73। 25th एडिशन ऑफ गर्ल फूड 2020 वाज हेल्ड इन विच सिटी। 73 का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। विनोद जी, नेहा जी, सतीश जी, प्रियंका, नीतू, संजय तिवारी, तन्मय, अविनाश जी, फटाफट आंसर दीजिए। प्रियंका जी का 73 का ही है, सतीश जी का दुबई, विनोद जी का, ठीक है, बिल्कुल सही है, दुबई इज द राइट आंसर। किशोरी बलाल हू पास्ट रिसेंटली वाज अ रिनोन्ड एक्ट्रेस ऑफ विच रीजनल सिनेमा। नीलमा जी फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74।
रानी, फटाफट आंसर दो। सेवेंटी फोर, किशोरी बलाल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनोन्ड एक्ट्रेस ऑफ हिज रीजनल सिनेमा। 74th का आंसर बता दीजिए। आंसर याद रखिएगा डी, कन्नड़। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च सीपी अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड द युवा उद्यमिता विकास अभियान। क्वेश्चन नंबर 75, 75, 75 का आंसर बता दीजिए। पूछ देता है नहीं तो इसीलिए लेना देना है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम में तो कुछ भी पूछ देता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पचहत्तर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च नादू नेदू स्कीम फॉर मॉडर्नाइजिंग हॉस्पिटल्स। 76, 76। सेवेंटी सिक्स का आंसर बता दीजिए। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च नादू नेदू स्कीम फॉर मॉडर्नाइजिंग हॉस्पिटल्स? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। 76 का आंसर बता दीजिए। सेवेंटी प्रियंका जी, गुड नाइट। चार ही क्वेश्चन रह गया वैसे प्रियंका। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 77 बनाओ। डिफेंस पीएसयू गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज डिलीवर्ड इट्स विच फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर टू द इंडियन नेवी? क्वेश्चन नंबर 77, 77 का आंसर बता दीजिए। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डी, INS कवरत्ती। ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टास्क फोर्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 78, 78 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का सेवेंटी एट का आंसर बता दीजिए। सेवेंटी एट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, नॉर्वे। 79 बताइए। विच कंट्री विल होस्ट मेंस हॉकी जूनियर्स वर्ल्ड कप इन 2021? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फिनलैंड। और कल सभी 4 PM पे लाइव हो जाइएगा। ठीक है, ठीक है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंडिया। अशरफ गानी हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? अभी से आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक और टर्की। क्वेश्चन नंबर 80, प्रियंका जी का 70 का है, नीतू जी का या इसी का आंसर क्या हो जाएगा? इसी का, अफगानिस्तान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। प्लीज सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस कोड का यूज कीजिएगा और कल सभी 4 PM पे लाइव हो जाएगा। और आप सभी मुझे अनअकैडमी पे प्रभास कुमार के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम का टाइमिंग 11:30 PM रेगुलर रहता है और 4 PM का सेशन मिस मत कीजिए। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आपको करना क्या है, प्री कोर्स पे क्लिक, क्लिक जैसे करेंगे कोड पूछेगा, प्रभास इंसर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों।
थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर. गुड नाइट सतीश जी, प्रियंका, गुड नाइट नीलमा, गुड नाइट नीतू जी, गुड नाइट सतीश जी, गुड नाइट. तो सारे बच्चे गुड नाइट, नीलमा गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर. कल 4 बजे सभी मिलिएगा, ठीक है? हाँ, संडे फिर भी क्लास होगा 4 PM पे.